और मेरे प्यारे बच्चों, नीरज पांडे वेलकम्स यू बैक। आप हैं नीरज इंग्लिश 24 पर। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 1, 3 क्वेश्चंस। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। क्वेश्चन 1, द किंग रिच्ड द हर्मिट्स सेल। यहां पे आंसर आएगा ऑन फुट। राजा हर्मिट के घर पैदल गया था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन द किंग अप्रोच्ड द हर्मिट द लेटर वॉज डिगिंग अर्थ। ओके, जब राजा पहुंचा उस हर्मिट के घर, सन्यासी के घर, तो जो सन्यासी था, जो हर्मिट था, वो अर्थ को डिग कर रहा था, उस जमीन खुदाई कर रहा था, मिट्टी ढीला कर रहा था, वो डिगिंग द अर्थ, वो जमीन को खोद रहा था। द मैन हु केम रनिंग फ्रॉम द वुड्स हैड अ वंड इन। जो आदमी जंगल से भागा भागा आ रहा था, उस आदमी को घाव कहां लगा था? हिज स्टमक, उसके स्टमक में। फोर्थ क्वेश्चन, द किंग ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वंड्स विद। राजा उस जख्मी आदमी के घाव को ड्रेस किया था, उस बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले आदमी के घाव को साफ किया था, किस चीज से? अपने हैंडकरचीफ से। एंड द हर्मिट्स टॉयल। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है यहाँ पे। व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस दैट अकर टू द किंग। वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से थे? द 3 क्वेश्चंस दैट अकर टू द किंग वर, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू एवरीथिंग, हर काम करने का सही समय क्या है? व्हाट आर द राइट पीपल टू वर्क विथ। यहाँ पे राइट टाइम फर्स्ट में, और सेकेंड में राइट पीपल, मतलब कौन से सही लोग हैं। थर्ड, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है करने के लिए। ठीक है ना, इस तरह से हमारा आंसर हो गया ये बी के फर्स्ट क्वेश्चन का। वेल, क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द किंग गो टू द वाइज हर्मिट। वो राजा हर्मिट के यहाँ क्यों गया? Why did he go there alone and dressed like a commoner? वो एक common man बनकर वहाँ पे क्यों गया? इसका answer है, the king was not satisfied with the answers of his 3 questions by his learned people. जो राजा था, उसके जो बहुत विद्वान लोग थे, उन्होंने जो answer दिया था 3 questions का, उससे वो satisfied नहीं था. So he went to the wise hermit to get the right answer. इसलिए वो wise hermit के पास गया सही आंसर पाने के लिए। He went there alone and as a common man. वो वहाँ पे अकेला गया, एकदम common man की तरह गया, क्योंकि because the hermit received only common people. क्योंकि वो जो hermit था, वो सिर्फ common लोगों से ही बात करता था। Question 3, who was the bearded man who came running from the woods? How has he got wanted? Bearded man कौन था जो जंगल से दौड़ता हुआ आया था, और उसे जख्म कैसे लगा, वो कैसे जख्मी हुआ? Answer, the bearded man was the king's enemy. वो जो bearded man था, वो राजा का दुश्मन था। The king went to meet the hermit. राजा hermit से मिलने गया था। The bearded man was to attack him on his way back. तो bearded man का ये plan था कि राजा को वापस आते समय उसको attack कर देगा, उसको मार देगा। When the king did not return, he set out to search him. जब राजा वापस नहीं आया, तो बियर्डेड मैन निकला उसको खोजने के लिए। द किंग्स बॉडीगार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड वांटेड हिम। राजा के बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, राजा के बॉडीगार्ड्स ने उसे पहचान लिया और उसको जख्मी कर दिया। क्वेश्चन 4, हाउ डिड डिगिंग ऑफ बिट्स फॉर द हर्मिट सेव द किंग्स लाइफ। हर्मिट के लिए जो जमीन खोदा जा रहा था, उस राजा का जीवन कैसे बचा? आंसर, digging the bits and helping the hermit save the king's life. जमीन खोदना और hermit का help करना, इस राजा के जीवन को बचा लिया। If he did not do it and went back, अगर वो ऐसा नहीं करता और चला गया होता, his enemy would kill him. उसके दुश्मन उसको मार देते। The king stayed and waited for his answers. Therefore, राजा वहाँ रुका था और अपने answer के लिए wait कर रहा था, इसीलिए He was saved, इसलिए वो बच गया था। क्वेश्चन सी, तो आप खुद से देख लीजिए, किंग के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे जो दिए हुए एडजेक्टिव्स हैं,
और हर्मिट के लिए क्या यूज़ करेंगे और बेडमैन के लिए क्या यूज़ करेंगे, सारे कैटेगरीज सारे बॉक्सेस में रिस्पेक्टिव वर्ड्स कहाँ कहाँ डालेंगे आप उसको देखिए। हॉर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन द आंसर द किंग गॉट टू हिज थ्री क्वेश्चंस। जो आंसर्स हैं जो राजा को मिला वो बताना है। मेकिंग दीज आंसर्स योर बेस, और इस आंसर्स को बेस करके, बेस बनाकर इसको समझकर, कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ का जो प्रेजेंट मोमेंट है उसके ऊपर कमेंट करना है। 80 to 100 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। द किंग आस्क्ड हिज क्वेश्चंस बट ही गॉट नो रिप्लाई, राजा ने तो अपना क्वेश्चन पूछा बट उसको जवाब नहीं मिला। लेटर ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी बीन आंसर्ड, लेटर ही फाउंड दैट हिज आंसर वॉज गिवन टू हिम। द फर्स्ट आंसर इज, जो पहला क्वेश्चन था, जो पहला आंसर था वो ये था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू डू एवरी थिंग इज द प्रेजेंट टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है कुछ करने के लिए वो अभी का समय है। क्या है? द प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट टाइम है, द प्रेजेंट टाइम। ओके, सेकेंड, द सेकेंड आंसर इज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन हु इज विथ यू एट प्रेजेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट लोग वो हैं जो अभी आपके साथ हैं, हु इज विथ यू एट प्रेजेंट, ठीक है। ओके, इसके बाद है, and the third answer is, the most important thing is to do good with our companions, जो सबसे important काम है, चीज़ है वो ये है कि हमारे जो companions हैं, हमारे जो साथी लोग हैं, उनके साथ हम अच्छा करें। Indeed, वास्तव में सचमुच, the present time is under our control, अभी का समय हमारे control में है, we can use it to help one another and do good to others, हम इसका use कर सकते हैं एक दूसरे का help करने के लिए और दूसरों के लिए अच्छाई करने के लिए। इस तरह से हॉर्स क्वेश्चन कर लिए। लाइफ स्किल्स, नॉलेज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस इज फार सुपीरियर एंड मेनी टाइम्स मोर यूजफुल देन थियोरेटिकल नॉलेज, जो नॉलेज हमको एक्सपीरियंस से मिलता है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। डिस्कस द अबव स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द फैक्ट दैट द हर्मिट डिड नॉट आंसर द किंग्स क्वेश्चंस एज सून एज दे वर पुट टू हिम, जैसे ही क्वेश्चन हर्मिट के पास रखा गया था राजा के द्वारा, वो उसको आंसर नहीं किया था। तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है उस चीज को पुष्टि करता है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करिए। वी लर्न मोर थ्रू एक्सपीरियंस देन व्हाट वी लर्न थ्रू बुक्स एंड बाय अदर्स, हम लोग जो बुक्स और दूसरे लोगों से सीखते हैं उससे अधिक एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं। सिंस द हर्मिट वाज अ वाइज पर्सन ही न्यू दैट द किंग वुड नॉट बी सैटिस्फाइड विद सिंपल आंसर्स, चूंकि हर्मिट एक वाइज पर्सन था इसलिए वो जानता था कि राजा साधारण आंसर से संतुष्ट नहीं होगा। He wanted to let the king experience and get the answers himself. वो चाहता था कि राजा खुद से एक्सपीरियंस करे और खुद से उसको आंसर मिले। Now the king could understand the importance of present moment and the importance of man and his action. और अब राजा समझ सकता था कि अभी का जो क्षण है, अभी का जो प्रेजेंट, जो वर्तमान क्षण है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और इंसान और उसके कर्म कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ये समझ चुका था। नाउ ही नोज दैट नो मैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मैन ही इज विथ, अब वो राजा जानता है कि कोई भी आदमी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट वो है जो उसके बगल में, जो उसके साथ है। फिलहाल फॉर व्हाट पर्पस अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ, किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए इंसानों ने ये जीवन पाया, व्हाट इज दिस पर्पस, ये पर्पस है क्या, ये उद्देश्य है क्या। Discuss some means of fulfilling this purpose. इस पर्पस को पूरा करने का कुछ तरीका डिस्कस कीजिए, तरीका बताइए। Answer: The purpose of man's existence in this world is to help the person he is with. आदमी का पर्पस, आदमी का उद्देश्य इस दुनिया में उस आदमी का हेल्प करना है जिस आदमी के साथ फिलहाल है। Nobody knows what will happen in future. कोई भी नहीं जानता है भविष्य में क्या होने वाला है, कोई भी नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। We should fulfill this purpose by helping the needy and poor people. हमें इस पर्पस को, हमें इस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए गरीबों का हेल्प करके, जो लोग अभावग्रस्त हैं, जो लोग आवश्यकताओं में हैं, जिनको आवश्यकता है उनका हेल्प करके हम इस पर्पस को पूरा कर सकते हैं। We can educate the illiterate people. हम लोग अनपढ़ लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। Medicine should be given to the poor patients. गरीब मरीजों को दवाइयाँ दिया जाना चाहिए। The message of love and brotherhood should be spread in this world. इस दुनिया में भाईचारे और प्रेम का, प्यार का संदेश दुनिया में
सफल आना चाहिए। राइटिंग सेक्शन, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ऑन बिहाफ ऑफ द किंग, राइट अ नोटिस इनवाइटिंग पीपल टू रिस्पॉन्ड टू हिज थ्री क्वेश्चंस। आंसर करते हैं नोटिस। नोटिस को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे बीच में हम नोटिस लिखेंगे और जो जो ऐसे जो नोटिस लिखने हैं लिखते हैं, ऐसे जो नोटिस लिखते हैं हम ऊपर लिखते हैं नोटिस कैपिटल से, स्मॉल से नहीं करना है, पूरा कैपिटल से लिखना है। नीचे हमको टॉपिक देना होता है। तो चलिए, नोटिस में रॉयल पैलेस मतलब कि रॉयल राजघराने से लिखा गया है, तो वो एड्रेस यहाँ पे हो गया रॉयल पैलेस। और डेट जो होगा जिस दिन एग्जाम होगा वो डेट यहाँ पे डालना है। ऑल द पीपल ऑफ माई कंट्री आर इन्वाइटेड टू द रॉयल पैलेस टू एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे मेरे देश के सारे लोगों को इन्वाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, ये लोग पैलेस में आए, किले में, महल में आए और नीचे दिए गए क्वेश्चन का जवाब दे। व्हाट इज द, अब यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट में, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू एवरीथिंग, हर काम करने का सही समय क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट पीपल टू वर्क विद, सही लोग क्या हैं, काम करने के लिए सही लोग क्या हैं, किसके साथ हम काम करें। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और थर्ड क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जो हम, द पर्सन हु गिव्स सेटिस्फैक्ट्री आंसर विल बी अवार्डेड, जो आदमी सही जवाब देता है, जो आदमी सही जवाब देगा, संतुष्टि के लायक जवाब देगा, वो अवार्ड दिया जाएगा। योर किंग, यहाँ राजा।